हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं विनोद सैनी स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल विनोद मोटर क्लब में। आज एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो होने वाले अल्टो के 10 के LXi वेरिएंट, यानी सबसे बेस वाला वेरिएंट है। इसमें हम देखने वाले हैं कंपनी हमें क्या कुछ देती है, क्या कुछ नहीं देती। तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रंट से। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे सुजुकी का लोगो, बड़ी सी ग्रिल। LXi वेरिएंट के अगर उसकी बात करें ना, तो ऑन रोड प्राइस की तो 5,35,000 के समथिंग हमें पड़ने वाला है। ऊपर की तरफ यहाँ पे वही टर्न इंडिकेटर आ जाएगा। वो नीचे फोग लैंप वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ना ही इसमें दे रखा है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है। रेडिएटर ग्रिल है बड़ी सी फ्रंट में, नीचे बम्पर देख सकते हो आप, ऐसा कुछ बम्पर है। यहाँ पे वही सिंपल बल्ब के साथ वो अपना वही हाई बीम लो बीम का ऑप्शन आने वाला है। इंजन की बात करें तो 1.0 लीटर का इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एयर, अगर यहाँ पे रेन वाइपर के लिए पानी की बात करें ना, तो एक ही वॉशर दे रखा है और यहाँ पे दो वो है रेन वाइपर दे रखे हैं। बड़ी सी फ्रंट की स्क्रीन है। और अगर साइड प्रोफाइल से बात करें ना, तो 13 इंची के वही स्टील रिम आते हैं। अगर टायर साइज की बात करें तो इसका टायर साइज क्या है, इसका टायर साइज है 145, 80 और R13, ठीक है। जो अल्टीमा और एटनीरो के जो भी टायर हैं, ये टायर आते हैं। यहाँ पे बॉडी पे टर्न इंडिकेटर। जो साइड मिरर की बात करें तो साइड मिरर वही नॉर्मल ब्लैक कलर में, और विंडो की अगर इसकी गेट की बात करें तो डोर हैंडल की, ये भी नॉर्मल आता है। और यहाँ पे हमें वही लॉक के लिए बटन, ठीक है, यहाँ से मान लो चाबी लगा के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद दो बड़ी सी मान लो विंडो आती है, 5 डोर में आती है, ये तो सबको पता ही है। और बड़ी सी विंडो जो स्क्रीन है, बड़ी सी स्क्रीन देखने को मिल जाती है। अगर पीछे से बात करें ना, तो यहाँ पे टेल लैंप एरिया, दो पार्किंग सेंसर पीछे की तरफ आते हैं। यहाँ पे सुजुकी का लोगो, यहाँ पे अल्टो K10 का लोगो। टेल लैंप देख सकते हैं आप, यही टर्न इंडिकेटर। यहाँ पे जो व्हाइट वाला है, ये बैक वाला काम करने वाला है। और इसके साथ बम्पर एरिया देखते हैं हम, नीचे की तरफ बम्पर एरिया। बम्पर एरिया में दो ही टर्न इंडिकेटर जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और नीचे की तरफ ये है जो, यानी कि हुक वगैरह गाड़ी को खींचने खाचने के लिए, अगर कहीं पे फंस जाए तो आप यहाँ से डाल के कुछ भी खींच सकते हो। एक बार इसका बूट स्पेस चेक करते हैं, कितना बूट स्पेस है इसका। बूट स्पेस की बात करें ना, तो इसके ये देखो भाई, बूट स्पेस तो काफ़ी अच्छा है। अल्टो के 10 में ना काफ़ी अच्छा बूट स्पेस आता है। इसमें हमें CNG वेरिएंट ऑप्शन वगैरह भी देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ फायर शेल्टर देख सकते हो आप। बूट स्पेस तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कितना बूट स्पेस है इसमें। यानी दो बाल्टियाँ रखी है बड़ी सी, और उसके बाद भी स्पेस अच्छा खासा स्पेस है इसके बाद। अब चलिए इंटीरियर से बात करते हैं। इंटीरियर में जाने से पहले मैं आपको सेकेंड रो से बात करेंगे। पहले अगर सेकंड रो की बात करें ना, तो इस तरफ फ्यूल टैंक आ जाता है। सेकंड रो में बात करें, जो पीछे वाली सीट है ना, इसमें भाई हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलते। सिंपल सीट रहती है, यानी ये 100 में सीट आती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह तो मेरे हिसाब से कॉमन होने चाहिए, कंपनी को देने चाहिए कहीं ना कहीं। और इसके बाद ही अगर इसके लेग रूम की बात करें, तो लेग रूम तो काफ़ी अच्छा है गाड़ी में, ऐसा कुछ नहीं है। पहले वाली में कम आता था, लेकिन इस वाली में काफ़ी अच्छा लेग रूम है। अगर बात करें तो फ्रंट से, यहीं से बैठे बैठे बात कर लेते हैं। उस तरफ एसी वेंट, नीचे की तरफ ग्लव बॉक्स। म्यूजिक सिस्टम नहीं आता इसमें, कुछ भी नहीं आता है, यानी कि नॉर्मली है, बिल्कुल कुछ भी नहीं आती थी कंपनी, ना ही स्पीकर वगैरह कुछ नहीं आते। मैनुअल एसी है, ऑटोमेटिक नहीं है, और मैनुअल गियर शिफ्टिंग में आती है। उसके बाद यहाँ पे ना तो हमें कोई USB पोर्ट और ना ही चार्जिंग केबल वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलती। यहाँ पे थोड़ा स्पेस और दो कप होल्डर। अगर इसके स्टेयरिंग व्हील की बात करें, तो स्टेयरिंग व्हील गोल सा वही स्टेयरिंग व्हील है। दो एयरबैग के साथ आते हैं, एयरबैग तो कॉमन ही हो चुके हैं आपको, जैसे जानते हो। और यहाँ पे सुजुकी का लोगो। अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है। और यहाँ पे बीच में MID स्क्रीन आती है छोटी सी, जिसमें किलोमीटर वगैरह और फ्यूल वगैरह आपको देखने को दिख रहे होंगे। और साइड में वही अपने इंडिकेटर वगैरह के बटन जो भी आते हैं, वो इंडिकेटर वगैरह के बटन इसमें देखने को मिल जाते हैं। अगर ऊपर से छत से बात करें, तो सिंपल IRVM और ऊपर सिंपल सा लोगो, दो एयरबैग के साथ आती है। और साइड में डोर हैंडल की बात करें, तो सिंपल डोर हैंडल, और यहाँ पे भी सिंपल ही, यानी कि बॉडी कलर में ही देखने को मिल जाते हैं। तो ले लो जी बस में। तो गाड़ी की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।